इटावा में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल जीआरपी पुलिस को रेलवे स्टेशन पर लगातार चोरी की घटनाओं की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की। वहीं जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से एक चाकू और 15,000 रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि चोर ट्रेन में मोबाइल की चोरी करके उसे बेचकर फरार हो जाते थे, जिससे पुलिस चोरों से काफी परेशान थी। प्रभारी निरीक्षक द्वारा जो है माल गोदाम के पास कुछ संदिग्ध लोगों की सूचना पर दबिश दी गई। सर्विलांस प्रभारी भी साथ में थे, जिस पे जो है 3 व्यक्ति लड़के जो थे वो संदिग्ध वहाँ मिले, जिनपे चाकू नाजायज चाकू उनसे बरामद हुआ तथा उनसे बात पूछताछ की गई, जामा तलाशी ली गई तो उनसे कुछ फोन मिले जो चोरी से रिलेटेड थे। मैनपुरी पुलिस ने जेब कतरों और चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामला भोगांव थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ चोर बसों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस चेकिंग शुरू कर रही थी। पुलिस ने नेशनल डिग्री कॉलेज के पास से 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 7 सितम्बर की घटना है। एक महिला चौरा हुई से बस में सवार हुई थी और जब रोडवेज बस स्टैंड भोगांव में उतर रही थी, तभी 2 लड़कों ने उनका पर्स जो है छीन के भाग गए थे। इस सूचना पर पंजीकृत हुआ था। आज दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो महिला से जितना भी उनका जेवर छीना गया था पूरा बरामद हो गया है। दोनों मरीजों को अरेस्ट करके हम जेल भेज रहे हैं। इनकी पानी की यूनिवर्सिटी भी है, ये 11 कॉलोनी के रहने वाले लड़के हैं। एक नवाब सिंह, दूसरा रवि है और ये क्रय कटिंग का कार इनका मेन धंधा है। पहले भी अपराध करते रहे। सर कहीं किसी मामले में ये वांछित भी है? अभी तो बातचीत नहीं थे, लेकिन अभी ये घटना। पकड़े गए नवाब सिंह और रवि के पास से पुलिस ने जेब कटी में लूटे गए सोना और 5 लाख रुपए के माल को भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इटावा से अरविंद कुमार और मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।